हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद शाबाज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों रोबोटिक्स के ही रिलेटेड, क्योंकि रिसेंटली सिंगापुर के जो साइंटिस्ट ने रोबो प्लांट्स को डेवलप किया है दोस्तों, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाल ही में मैंने लेक्चर भी बनाया था रोबोटिक्स के लिए, तो उसमें मैंने बताया आपको क्या क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है। तो आज हम उसी को एक कंटिन्यूशन पार्ट, अगर आप देख सकते हैं कि रोबो प्लांट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो रोबोटिक्स को यूज़ कर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में उनकी प्रोडक्टिविटी में, उनकी क्वांटिटी में हम उसको यू नो इंक्रीज कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर। तो आज का टॉपिक हमारा इसी के बारे में रहेगा। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो वीडियो है वो बीट्स यूट्यूब चैनल के जरिए से आपको पेश किया जा रहा है। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, सिंगापुर के कुछ साइंटिस्ट ने एक रोबो प्लांट्स को डेवलप किया है दोस्तों, और इनका मेन मकसद यही है कि नेचर और टेक्नोलॉजी को दोनों को जो है एक फ्यूजन के तौर पर यूज़ किया जाए, यानी फ्यूजन मतलब एक मिक्सचर के तौर पर, ताकि आगे चलकर हमको इस रोबोटिक्स की मदद से हम क्लाइमेट चेंज को भी कमबैक कर सकते हैं और जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मैं आपको वर्किंग मैकेनिज्म बता देता हूँ कि क्या किस तरह से ये प्लांट काम करता है। तो पहले अगर आपने देखा होगा तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने कुछ इलेक्ट्रोड्स को डेवलप किया है दोस्तों, जो कि एक स्मॉल लेयर रहेगा, एक थिन लेयर आपको मिलेगा इसमें, ओके। उसमें क्या है, आपको प्लांट के जो सर्फेसिस में अटैच कर दिया गया बाई यूजिंग थर्मोजेल, ओके। एक थर्मोजेल, एक लुब्रिकेंट के जैसा आप कह सकते हैं जिसको, या फिर एडहेसिव भी आप कह सकते हैं, उसको यूज़ कर प्लांट्स के इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर दिया गया है। और ये लो जो रूम टेम्परेचर की बात करें तो एक लिक्विड टाइप रहता है, अगर आप यू नो जेल टाइप रहता है, सॉरी रूम टेम्परेचर में, और लो टेम्परेचर की बात करें तो इट शुड बी ए लिक्विड, ओके। और इसका जो इलेक्ट्रोड्स की ये कैपेबिलिटी है कि जो भी इलेक्ट्रिक पल्सेस निकल कर आते हैं प्लांट से उसको ये डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक। तो आगे इन्होंने बताया कि इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके जो भी एक्सप्लोजिव मटीरियल्स है और जो केमिकल्स जो प्लांट्स को डैमेज कर रहे हैं उसको भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं, ओके। ताकि आगे चलकर इसकी केमिकल्स का रिडक्शन किया जाए, और जो जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स है ग्राउंड के अंदर, जो नाइट्रो कॉम्पाउंड्स हम कहते हैं, उसको भी हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो दिस टेक्निक कैन बी यूजफुल फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ओके। एंड ये जो प्लांट्स में जो इलेक्ट्रोड्स डाले गए हैं उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, केमिकल्स हो या फिर लाइट या फिर ग्रेविटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, या फिर इवन पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑल्सो, ओके, ये सारा कुछ प्लांट्स इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और साइमल्टेनियसली दे आर सेंडिंग द ईमेल्स ऑल्सो, ओके। सो अगर आपने देखा होगा ये यू नो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दे विल सेंड द ईमेल्स टू द अलर्ट टू द साइंटिस्ट, ताकि आगे चलकर उसको डेवलपमेंट भी किया जाए। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये पहले जैसे अभी जो लाई गई है वो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। 2016 की बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, जो एक फेमस इंस्टीट्यूट है यूएस की, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और जो स्पिनैच है, जो पालक हम कहते हैं, उस लीव्स में इसको लगा दिया गया था दोस्तों, ओके। जब कभी भी कोई एक्सप्लोजिव मटीरियल्स डिटेक्ट होते हैं ग्राउंड वाटर में, तो दे आर सेंडिंग द ईमेल अलर्ट टू द साइंटिस्ट, ओके। जितने भी नाइट्रो कॉम्पाउंड्स हैं जो एक्सप्लोजिव माने जाते हैं, अगर इस तरह से कोई मटेरियल या फिर कोई मेटल ग्राउंड वाटर में अगर मिक्स हो जाए तो इट विल कॉज डेंजरस टू द नॉट ओनली टू द प्लांट्स बट ऑल्सो टू द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ओके। आपने सभी लोग देखा होगा या फिर सुना होगा, आर्सेनिक एक मेटल है, अगर ग्राउंड वाटर में अगर इसका मिक्सचर हो जाए तो कई लोगों को कैंसर भी हो सकता है, राइट। तो इस आर्सेनिक को हमारे इंडिया में भी पाया गया था, ज़्यादातर आपको यूपी और आसपास के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर आर्सेनिक मेटल को पाया गया था, राइट, जब उसके ग्राउंड वाटर को हमने टेस्ट किया था। तो ये सारे मेटल्स अगर ग्राउंड वाटर में पाए जाते हैं तो इट विल हार्मफुल फॉर बोथ ह्यूमन बींग एंड प्लांट्स, तो साइमल्टेनियसली दे आर सेंडिंग अलर्ट्स टू द साइंटिस्ट ऑल्सो, ओके। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप यू नो स्मार्टफोन एप्लीकेशन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इन फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी को ऐसा भी माना जा रहा है कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ओके। आजकल जितने भी क्रॉप्स हैं जो डैमेज होते जा रहे हैं ड्यू टू सम डिजीज या ड्यू टू सम इंसेक्ट्स की वजह से,
या फिर ज्यादा केमिकल यू नो स्प्रे करने की वजह से जो प्लांट्स को जो डैमेज हो रहा है उसको भी हम रोक सकते हैं फ्यूचर में, अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। अभी तो सिर्फ इन्होंने वीनस ट्रैप प्लांट पे टेस्ट किया है, जो आप इमेज पे भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम है वीनस ट्रैप। ओके, इसका मेन मकसद ये है कि एक कार्निवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को, जब कोई भी इंसेक्ट्स वहाँ पे जाकर बैठता है तो स्लोली इट विल क्लोज देयर लीव्स। ओके, तो उसकी मदद से ये अपने यू नो फूड का इंतजाम करता है। बट एनी हाउ, इस यहाँ पे पहली बार टेस्ट किया गया है, अगर यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है देन यू कैन यू नो लार्ज स्केल पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और फार्मर्स को जो डिसीजेस हैं, जो प्लांट्स को जो डिसीजेस होते हैं, ताकि हम फार्मर्स को टाइम टू टाइम अपडेट कर पा सकते। ओके, एंड द प्लांट्स कैन टेल फार्मर्स दैट दे आर हिट बाय द डिसीज थ्रू द टेक्नोलॉजी। ओके, कौन से डिसीज की वजह से हिट हो गया है और कितना परसेंटेज ऑफ केमिकल्स आपको स्प्रे करना है, ये भी आपको हम बता सकते हैं। ओके, और अभी तो जो टेक्नोलॉजी है ये एक अर्ली स्टेजेस में यू नो यूज कर रहे हैं दोस्तों, अभी रिसर्चर्स इसके पर, इसके डेवलपमेंट के पर काम कर रहे हैं। तो पहली बार इन्होंने वीनस ट्रैप प्लांट को यूज़ किया गया है, तो आगे चलकर उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी को हम एक हाइब्रिड सिस्टम में बदल कर और लार्ज स्केल पर, और हमारे इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा, और उसके बाद हम इस यू नो कई तरह के सिस्टम्स को यूज़ करके हमारे फार्मर्स को भी, हम जो भी प्लांट्स डिसीजेस हो रहे हैं, जो प्लांट डैमेजेस हो रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम हम बचा सकेंगे। एंड द टीम, या जो रिसर्च टीम है जो सिंगापुर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, इन्होंने इलेक्ट्रोड्स के साथ साथ एक कार्बन नैनो ट्यूब्स को भी इसमें इंक्लूड किया है दोस्तों। ओके, जो कि टाइम टू टाइम एक सिग्नल को एमिट करता रहेगा, ताकि जितने भी नाइट्रो जो एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स हैं, जो कि जनरली एक्सप्लोजिव मटीरियल्स में इसको यूज़ किए जा सकते हैं, उसको भी ये डिटेक्ट कर पाए, और ये जो सिग्नल है एक इंफ्रारेड कैमरा से स्टडी किया जाएगा। ओके, पहले ये प्लांट्स इलेक्ट्रोड्स की मदद से सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएंगे, और उसके बाद एक इंफ्रारेड कैमरा लगा दिया जाएगा, और जो टाइम टू टाइम जो साइंटिस्ट को, जो रिसर्च टीम है उनको मैसेज जाता रहेगा। ओके, जैसे हमने पहले भी इसके मैकेनिज्म में जब डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो उसके इलेक्ट्रोड्स के अलावा इन्होंने नैनो ट्यूब्स को भी इंक्लूड कर दिया। ओके, ताकि और यू नो एफिशिएंसी बढ़ सके इसकी, और ये जितने भी नाइट्रो एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स हैं उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, वीनस फ्लाई ट्रैप लीफ के पर जो प्लांट है, इसके पर पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, एंड इट इज़ ए कार्निवोरस प्लांट। ओके, और ज़्यादातर आपको एक सब ट्रॉपिकल वेटलैंड्स में इसको पाया जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो। इसका लोकेशंस भी आपको पूछ सकते हैं, और इसका कहाँ पे है, ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, यहाँ पे ज़्यादातर इस वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स को पाया जाता है, और इनका जो फूड है वो किस तरह से ये इंतज़ाम करते हैं, ये दे विल कैच द प्रे सच एज इंसेक्ट्स, ले लीजिए आप। ओके, छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट्स रहते हैं, सो वेन एवर दे विल फ्लाई ऑन सिट ऑन दिस काइंड ऑफ प्लांट्स, दे विल स्लोली क्लोज देयर लीव्स। ओके, ये जो अपने लीव्स है स्लोली क्लोज कर देते हैं, और IUCN का अगर आपने स्टेटस देखा होगा, इट इज़ वल्नरेबल स्टेटस दोस्तों। ओके, IUCN ने इसे वल्नरेबल डिक्लेयर किया है। एंड चलिए, एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में किस तरह से हम और फ्यूचर में किस तरह से एग्रीकल्चर रोबोटिक्स को यूज़ कर इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज अभी जो मेन चैलेंज है एग्रीकल्चर, जो भी रिसर्च है उनके सामने जो मेन चैलेंज है कि किस तरह से इस रोबोटिक्स को यूज़ किया जाए। ओके, अगर आपने देखा होगा कि हमारे पास जो लिमिट रिसोर्स जो है उसके पास, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, राइट, और जिस तरह से ये लोग फर्टिलाइजर्स को, केमिकल्स को स्प्रे कर रहे हैं प्लांट्स में, एंड कितना डैमेज हो रहा है क्रॉप्स को, राइट, कई यू नो एवरी ईयर कितने नुकसान हो रहा है, कितने टर्म्स ऑफ नुकसान हो रहा है फार्मर्स को, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक मेजर चैलेंज अभी माना गया है एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, जितने भी रिसर्चर्स हैं उनके सामने एक मेजर चैलेंज है, ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। अभी तो एक स्टेप फॉरवर्ड माना जा रहा है इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स या अभी नैनो ट्यूब्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, बट आगे अगर देखा जाए तो फार्म मैकेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और इन्होंने जो, जैसे आपने देखा होगा कि जो मॉडर्न मशीन्स है, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, उसको हम यूज़ करके कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चर प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और मेन मकसद यही रहेगा आगे चलकर कि इसकी प्रोडक्टिविटी को, इसकी क्वालिटी को, इसकी क्वान्टिटी को हम इम्प्रूव कर पाए। ओके, कई सारे देशों ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं, फार्म मैकेनाइजेशन। ओके, और एक फेमस कंपनी है इको रोबोटिक्स के नाम से, और एक फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट है दोस्तों,
इन्होंने डिजाइन किया है, जिसका मेन मकसद है कि वीट्स को उखाड़ सके, ओके, और इसकी एफिशिएंसी माना जा रहा है मोर देन 99%, ओके 95-99% इसको माना जा रहा है। और जो इसको डेवलप किया गया था लार्स एंड जोहान, जो 2017 की कंपनी है, एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर रोबोट को इन्होंने डेवलप किया है, ताकि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली हम यूज कर सकते हैं, ओके। लेट्स मूव ऑन, तो हाउ क्रॉप इन्वेंशन बेनिफिट अस, ये हमारे सामने एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज कई सारे साइंटिस्ट को के पर उठाया जा रहा है, रिसर्च के पर, रिसर्चर जितने भी हैं उनके पर पूछा जा रहा है कि जो क्रॉप इनोवेशन आप कर रहे हैं इस तरह से, जो रोबोट्स को यूज़ करके, किस तरह से हम लोगों को बेनिफिट करेगा, ओके। देखिए, यूजुअली अगर आपने देखा होगा इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया गया, तो आगे चलकर इनका कहना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके, ताकि एग्रीकल्चर में प्रिसिशन को बढ़ाया जाए, ओके, उसके प्रिसाइज एग्रीकल्चर मेथड्स को हम डेवलप कर पाए। और आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से जो प्लांट इकोसिस्टम है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों इन सप्लाई ऑफ द फूड, ओके। जितना आपकी जो प्रोडक्टिविटी बेहतर रहेगी, जितना आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, उतना आपका फूड सप्लाई सिस्टम ज़्यादा रहेगा। तो आगे इन्होंने ये भी कहा है कि कई सारे स्टडीज जो अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश किया गया था, उन्होंने ये भी बताया कि सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रहे, जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो हम एग्रीकल्चर मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरह से डेवलप करें, उसको किस तरह से प्रिसाइज बनाया जाए, वो डायरेक्टली आपको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर लिंक रहता है, ठीक? समझ में आ गया आपको बात, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए, जिस तरह से अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, उसी तरह ऑटोमेटिकली आपकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ती जाएगी, ठीक? आपकी जो कंट्री में फूड सप्लाई बना रहेगा, ओके, कोई कभी भी कोई फूड शॉर्टेज का इशू नहीं आएगा, आपको कंटिन्यूसली सप्लाई रहता रहेगा, और बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी फूड्स भी आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली साइंटिस्ट का ये कहना है कि देर इज़ ए जस्ट ब्लेंड ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, इट्स ए फ्यूजन ऑफ नेचर एंड टेक्नोलॉजी, राइट? तो दोनों को हम अगर मिक्स कर देंगे तो जो उसका आउटपुट रहेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसी तरह इन्होंने भी बताया कि एक इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को अगर हम मिक्स कर देंगे, उसका फ्यूजन अगर करेंगे, तो इट विल हैव ए मोर बेनिफिट टू अस इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंटिस्ट लोगों का ही काम है या रिसर्च का ही काम है, इसमें कई सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज हो गए, कई सारे एप्लीकेशंस हो गए जो डेवलप करने पड़ते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो उन लोगों की भी मदद इस पे ज़रूरत होती है आगे चलकर, ताकि हम हमारे क्रॉप्स को एक बेस्ट क्वालिटी क्रॉप्स को हम बना सकेंगे। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमने जैसे मेरे पहले लेक्चर में बताया आपको रोबोटिक्स के बारे में, राइट? उसके बाद उसी को हम कंटिन्यूएशन करते हुए रोबो प्लांट्स के बारे में मैंने एक एप्लीकेशन के तौर पर आपको बताया है। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, राइट? तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे बीट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। The Beats for You, नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है। भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ। बीच में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। Subscribe Beats YouTube channel, like Facebook page and Instagram. Visit its website thebeatsforyou.com.